सो है गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले कुछ टेक्नोलॉजी फैक्ट्स के बारे में, बिकॉज काफ़ी टाइम से ये वीडियो आई नहीं थी। सो हियर इट इज़। तो बने रही इस वीडियो में एंड तक मयंक के साथ, ओनली ऑन टेक्नोफॉर्मेशन। तो सबसे पहले फैक्ट की अगर बात करें तो क्या यहाँ पर आपको पता है कि सबसे पहले हार्ड ड्राइव जो कि 5 MB की थी, उसको लॉन्च किया गया था 1956 में, और इसका जो वेट था वो था 1 टन के आसपास का, या फिर कह लो 1000 किलो के आसपास का। और यहाँ पर जो डाटा स्टोर किया गया था वो किया गया था 50 से ज़्यादा एल्यूमिनियम डिस्क के ऊपर, जो कि कोटेड थी मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड से। बाकी आजकल तो हमें 1 TB तक की भी हार्ड ड्राइव्स देखने के लिए मिल जाती है, जिसका वेट इतना तो क्या इसके आसपास तक का भी नहीं होता। सेकेंड फैक्ट की अगर बात करें तो क्या यहाँ पर आपको पता है 1936 में रशिया में एक कंप्यूटर बिल्ड किया गया था जो कि पानी पर चलता था। इसे व्लादिमीर लुकियानोव ने इन्वेंट किया था। बेसिकली इसके अंदर कैलकुलेशंस करने के लिए गियर्स, लीवर्स, पाइवोट्स का यूज़ किया जाता था। यहाँ पर बहुत सारे पानी के ट्यूब्स थे जिसे ऑन या ऑफ करने पर यह कंप्यूटर जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता था। बेसिकली इसे वाटर इंटीग्रेटर भी कहा गया था, और इसे बनाने का मेन पर्पस ये था कि कॉन्क्रीट या फिर के लो सीमेंट में जो क्रैकिंग होती है उसे सॉल्व कर पाए। क्या पर आपको पता है कि 25 जून 2009 को 3:15 में जब माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी, तब ट्विटर और विकिपीडिया पूरी तरीके से क्रैश हो गए थे। जी हाँ। अगले फैक्ट की अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पर आपको पता है जो आजकल हम क्वर्टी कीपैड्स का यूज़ करते हैं, ये इसलिए बनाए गए थे ताकि हमारी टाइपिंग स्पीड स्लो हो सके। बेसिकली पहले के टाइम में जब टाइपराइटर्स यूज़ होते थे, तब हमारी टाइपिंग स्पीड जो स्लो करने के लिए, बिकॉज फास्ट टाइपिंग में जो टाइपराइटर्स जैम हो जाते थे, तो उसके कारण स्लो करने के लिए यहाँ पर क्वर्टी डिज़ाइन को किया गया था ताकि हमारी टाइपिंग स्लो हो सके। वैसे कीबोर्ड्स के ऊपर हमने एक टोटली वीडियो बना रखी है फैक्ट्स की, आप यहाँ पर क्लिक करके आई बटन में उसे चेक कर सकते हैं। फिफ्थ फैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो क्या यहाँ पर आपको पता है इंटरनेट पर जितना भी ट्रैफिक होता है उसमें से आधे से ज़्यादा ट्रैफिक रियल नहीं होता। 2012 में बेसिकली एक स्टडी की गई थी जिसके द्वारा पता चला है कि इंटरनेट पर जितना ट्रैफिक होता है उसमें से जो 51% ट्रैफिक होता है वो नॉन ह्यूमन ट्रैफिक होता है, यानी कि वो बॉट्स या फिर हैकर्स कह लो या फिर कुछ मेलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं। और ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारा डाटा स्टील कर लिया जाए, यानी कि हमारा डाटा चुरा लिया जाए, कुछ साइट्स को हाईजैक कर लिया जाए। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या यहाँ पर आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो गेम कौन सा है? ये है टेट्रिस। बेसिकली ये वीडियो गेम इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, बेस्ट सेलिंग की रैंक में नंबर 1 पर आता है। इसमें जो है 495 मिलियन कॉपीज इस गेम की सोल्ड हुई है। और इसी लिस्ट में सेकेंड नंबर पर जो गेम रैंक करता है वो है माइनक्राफ्ट, जिसकी 122 मिलियन कॉपीज सोल्ड हुई है, जो मुझे नहीं लगता इनके आसपास भी कोई है। तो यार ये थी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। एंड अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट पसंद आता है तो ही वीडियो को लाइक शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज इस चीज़ की मुझे अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।